दोस्त जैन, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। कहते हैं कि दोस्ती, दुश्मनी और रिश्तेदारी अपने बराबरी वालों में करनी चाहिए, लेकिन दुश्मनी अगर कमतर और जाबिर के बीच में होने लगे, अगर दुश्मनी सुपर पावर और एक कमजोर के बीच में होने लगे और सुपर पावर को अपने कदम पीछे हटाने पड़े, अपने चोट को, अपने दुख को, अपनी तकलीफ को बार बार बयान करना पड़े, तो आप इसे क्या कहेंगे? या तो कमजोर जिसे हम समझ रहे थे वो हमारी छाती पर चढ़कर हमको दो तमाचे मार रहा है, या तो जो सुपर पावर है उसके सुपर पावर होने का दावा शक के घेरे में है। जी हाँ दोस्तों, यही काम हुआ है इस वक्त इसराइल के साथ। इसराइल मजलूमों पर बमबारी कर रहा है, अमेरिका के मिले हथियारों को गाजा में बरसा रहा है। गाजा में हजारों फलस्तीनियों को मार चुका है, 38,000 से ज्यादा ऑफिशियली नाम, पता, बाप का नाम, इस तरह से पूरा डेटा जो है उस डेटा के मुताबिक 38,000 से ज्यादा फलस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं। लेकिन यह तादाद 1.5 लाख से ज्यादा का है। आप इसे 2 लाख तक भी मान सकते हैं, लेकिन मानने और दस्तावेजी चीजों में बहुत फर्क होता है। तो दस्तावेज के मुताबिक 38,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं, लेकिन इससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के बहुत से देश दाढ़ी वाले, टोपी वाले, झुब्बे वाले इसराइल के साथ अपने रिश्ते बहाल करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इसराइल के लोग उनके देशों में आकर के वल्ला हबीबी करें, क्योंकि गजा के मामले में सबकी इंसानियत मर जाती है, सबकी मानवता मर जाती है। इंसानियत के बड़े बड़े अलमबरदार दुम दबाकर अपने घरों में बैठ जाते हैं और केवल बयानबाजी करते हैं, करते कुछ नहीं है। लेकिन गाजा के भीतर जब इजरायली सेना ने कदम रखा, उसके बाद से लेकर अब तक इजरायली सैनिकों की शामत आई हुई है। इजरायली सेना निर्दोष लोगों पर बमबारी, गोला बारूद तो बरसा रही है, गोलाबारी उन पर कर तो रही है, लेकिन खुद भी बहुत मुतासिर हो रही है और उसकी तादाद भी हजारों में है। अब इजरायल के डिफेंस मंत्रालय ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने खुद ही इस बात को जाहिर कर दिया है कि अब तक उसके कितने सैनिक जख्मी हुए हैं, कितने पागल हुए हैं, कितने इजरायली अस्पतालों में दर्द से कराह रहे हैं। इसराइल के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 7 अक्टूबर से लेकर अब तक उसके 9,250 सैनिक जो हैं वो घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं, और जो इनकी तादाद है इसमें 70% ऐसे सैनिक हैं जो रिजर्व सोल्जर हैं, रिजर्व। और जो भी घायल होने वाले हैं, इनमें कुछ ऐसे सैनिक हैं, उनकी एक बड़ी तादाद ऐसी है जो दिमागी तौर पर पागल हो गए, यानी मानसिक रूप से वो परेशान हैं, मानसिक रोगी हो चुके हैं, मनोरोगी हो चुके हैं। अब जंग के मैदान में ऐसा कौन सा नजारा उनको देखने को मिला होगा कि उनका दिमागी संतुलन खराब हो गया, उनको इजरायली अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती करना पड़ा। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। कुछ दिनों पहले हमने आपको यह भी खबर बताया था कि किस तरीके से 70,000 से ज्यादा इजरायली सैनिक जो हैं वो विकलांग हो गए हैं। वो तमाम खबरें जो इजराइल और इजरायली सेना से जुड़ी मीडिया में आती रहती थी, वो केवल मीडिया में आती थी, आधिकारिक तौर पर उसे जाहिर नहीं किया जाता था। लेकिन 9,250 सैनिक अब तक घायल हुए हैं, इसकी जानकारी जो है इसराइल ने ऑफिशियली जारी की है। नेतन्याहू के दिल पर कितनी तकलीफ गुजर रही होगी कि आखिर उनको अपनी सेना की बहादुरी की सारी पोल पट्टी आवाम के सामने खोलनी पड़ रही है। भले ही 9,000 ये कम ही आंकड़ा हो, लेकिन जो इससे पहले खबर आ चुकी थी कि 70,000 से ज्यादा सैनिक जो हैं वो विकलांग हो चुके हैं, तो उस खबर को भी भुलाया नहीं जा सकता। कुछ दिनों पहले ही हमने आपको बताया था कि इजरायली सेना में जो विकलांग हो चुके हैं उनकी तादाद 70,000 हो गई है, और 8,663 जो सैनिक हैं वो जख्मी हुए हैं। लेकिन ये 9,250 सैनिक जो हैं, आप पुरानी खबर को बिल्कुल कन्फर्म मान सकते हैं कि वो खबर कितनी क्लियर रही होगी, कितना स्पष्ट रहा होगा कि उस समय 8,663 थे और अब 9,250 हो गए हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। गाजा में ही अभी हाल ही में खबर आई थी कि 2 दिन पहले ही इसराइल ने एक स्कूल पर हमला किया, और वो यूएन के जरिए चलाया जाने वाला स्कूल था जिसको रेफ्यूजी कैंप के तौर पर अभी इस्तेमाल हो रहा था, और उसमें 16 लोग मारे गए। उस स्कूल पर हमला करके इसराइल ने 16 लोगों की जान ले ली। लगातार मरने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है जिनको इसराइल बमबारी के जरिए, गोलाबारी के जरिए, एयर स्ट्राइक के जरिए हलाक कर रहा है, उनको मार रहा है। लेकिन हमास जैसे एक मुट्ठी भर संगठन से आमने सामने की जंग इजरायली सेना नहीं लड़ सकती। इतनी ज्यादा बहादुर है कि वो आमने सामने की जंग लड़ने में कोसों दूर भाग जाती है। इसराइल गोला बारूद, बम, एयर स्ट्राइक और इन तमाम चीजों से इतर एक और हमला कर रहा है फलस्तीनियों के ऊपर, और उस हमले का नाम है भूख, प्यास, भुखमरी। भुखमरी के कागार पर गजा के लोग पहुंच चुके हैं।
क्योंकि गाजा के भीतर जो सामान पहुंचने चाहिए थे उनको इसराइल जाने नहीं देता, और इसराइल चाहता है कि अगर गोला बारूद अगर खर्च होते हैं तो उससे बेहतर है कि भुखमरी करके, भुखमरी के जरिए फलस्तीनियों को मार दिया जाए। यूनाइटेड नेशन के जो जानकार हैं उनका कहना है कि इसराइल भूख को, भुखमरी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, और इस भुखमरी में शिकार बनाया जा रहा है छोटे छोटे बच्चों को, यानी फलस्तीनियों को बिल्कुल तोड़ देने के फिराक में। उनके साथ ये दिक्कत है कि अगर इसराइल कहता है कि आप यहाँ पे आओ, और उस एरिए में अगर वो जाते हैं तो वहाँ बमबारी होने लगती है, फिर कहते हैं वो एरिया सेफ नहीं है, आप फला एरिया में आ जाओ, वो बेचारे उस एरिए को छोड़कर महफूज समझकर दूसरे एरिए में जाते हैं, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी उनके सरों पर बम गिराए जाते हैं, वहाँ भी जो भी खंडरात होते हैं उन पर भी बम गिराए जाते हैं, वहाँ भी जहाँ भी इंसानों के रहने के नाम निशान समझ में आते हैं वहाँ भी उन पर बम गिराए जाते हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा जहन्नम अगर कोई बन चुका है तो वो गाजा है, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चैन से मज़े ले रहे हैं, बाइडन के साथ अपने रिश्ते निभा रहे हैं, अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, इसराइल को गले लगाने के लिए बेकरार हो रहे हैं। लेकिन इसराइल के लिए हमास से ज़्यादा कई और संगठन भी हैं जो ख़तरनाक बन चुके हैं। इराक में मौजूद इराकी जो मिलिशिया है वो भी इसराइल के ऊपर हमले कर रहा है, यमन के हौती भी इसराइल के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं, उनसे मुंसलिक जहाज़ों को, उनके एयरपोर्ट को, उनके इलाकों को निशाना बना रहे हैं, और सबसे ख़तरनाक हालात में अगर कोई है तो वह है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन उसने अपने हमलों के ज़रिए इसराइली सेना की नींव ज़रूर हिला दी है। इसराइली सेना के चूल्हे हिला देने का काम अगर किसी ने अभी तक किया है तो वो है हिजबुल्ला। लेबनान का हिजबुल्ला लगातार इसराइली इलाकों पर हमले कर रहा है, और ये हमला कई महीनों से है, लेकिन बीते चंद महीनों से ही इसराइल के खिलाफ हिजबुल्ला ने अपने हमले तेज़ कर दिए, और जब तेज़ कर दिए तो हालत ये हो गई कि लाखों के लाखों इसराइली कब्जे वाले तमाम इलाकों को छोड़ करके, उत्तरी इसराइल को छोड़ करके दूसरे इलाकों में भाग कर जान बचाने के लिए मजबूर हो गए हैं। अगर नहीं भागेंगे तो हिजबुल्ला के रॉकेट मिसाइल, हिजबुल्ला के हमले उनको मार देंगे। खेत खलिहान भी नहीं बचे हैं। इसराइल अगर अपनी खेती बाड़ी करता भी है तो इसराइल अपने उत्तरी इलाके में करता है, और ये उत्तरी इलाका कब्जे वाला एरिया है, यानी उसका अपना नहीं है। कई इलाके इसराइल में ऐसे हैं जो 1967 के बाद उसने कब्जा कर लिया, और ये कभी लेबनान का भी हिस्सा हुआ करता था। गोलान हाइट्स वगैरह जो सीरिया के करीब में है उस पर भी इसराइल का ही कब्जा है, लेकिन हिजबुल्ला लगातार इनको निशाना बना रहा है, उसके अपने भी लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन वो भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, जम कर लड़ रहा है, और माना यही जा रहा है कि जल्द ही जंग शुरू हो सकती है हिजबुल्ला और इसराइल के बीच में। जंग का हालात कैसा होगा, किस तरह से उसका नज़ारा होगा, हिजबुल्ला की कैसी तैयारी है, ये तो हिजबुल्ला के हमलों की शिद्दत को देख कर अंदाज़ा लग जाता है। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त, जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।